कंट्रीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। मैं रेडीमेड पैकेट से बनाऊंगी। अगर आप खोया उससे बनाते हैं तो बहुत सही होता है, पर वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। मेहमानों के लिए आपको झट से बनाना है तो आप रेडीमेड पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बहुत जन मुझे बोलते हैं कि क्या सच में रेडीमेड पैकेट से उतना अच्छा गुलाब जामुन बनता है। मैं बोलती हूँ हाँ, रेडीमेड पैकेट से भी आप बहुत अच्छा गुलाब जामुन बना सकते हैं, पर अगर आप सही प्रोसेस यूज़ करें तो। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि रेडीमेड पैकेट से सॉफ्ट डिलीशियस गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। तो अभी हम शुगर सिरप बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर पानी लिया है और चीनी डाल देंगे। मुझे गुलाब जामुन का मिठास हल्का पसंद है तो मैं चीनी कम डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। तो देखिए चीनी यहाँ पर अच्छे से घुल गई है। अब मैं कुछ इलायची छिलके इसमें डाल दूंगी और 4-5 मिनट तक मैं उसको बॉईल करके उसको निकाल के ठंडा करने के लिए रख दूंगी। मैं यहाँ पर गुलाब जामुन मिक्स और गर्म दूध ले रही हूँ। गुलाब जामुन का मिक्स आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें दूध डालिए और अच्छे से मिला लीजिए। ध्यान रखिए ज़्यादा दूध एक साथ आप मत डालिएगा। अब आप उसको अच्छे से मसल लीजिए। जितना अच्छे से आप उसको मसलेंगे उतना ही गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेगा। अब एक हल्का गीले कपड़े से उसको ढक के रख दीजिए। अब हाथ में थोड़ा सा घी लीजिए और उसको अच्छे से मसल के गोल कीजिए। ध्यान रखिए कि जामुन के गोले पे दरारें ना आए, नहीं तो तेल में जब आप फ्राई करने जाएंगे तब गुलाब जामुन फट जाएगा और वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब धीमी आंच में तेल को गरम कीजिए और जामुन के गोले डाल दीजिए। ध्यान रखिए गैस का आंच हमें धीमी ही रखना है। ज़्यादा हाई करेंगे तो ऊपर से वो रंग आ जाएगा पर अंदर से जामुन हमारे कच्चे ही रह जाएंगे। और उसको अच्छे से हिलाते रहिए, धीमी आंच पे रखिए। आप चाहें तो तेल की जगह घी से भी आप उसको फ्राई कर सकते हैं। जामुन का कलर कितना प्यारा आया है। मुझे ऐसे ही हल्का लाल पसंद है तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। आप चाहे तो कलर और थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। चीनी के मिश्रण में उसको अच्छे से डुबो दीजिए और 10 से 15 मिनट तक आप उसको साइड में रख दीजिए। हमारा टेस्टी गुलाब जामुन बनके तैयार है।